तो अभी मैं जा रहा हूँ मरीन ड्राइव से गेटवे ऑफ इंडिया। सो मरीन ड्राइव का आप ही व्यू देख लो। ये है एयर इंडिया बिल्डिंग, पीछे और भी अदर अदर बिल्डिंग्स हैं। मतलब यहाँ पे बड़ी हैवी हैवी बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। सो अभी यहाँ से मुझे पैदल जाना है और यहाँ से अप्रोक्स 1.6 किलोमीटर है। सो अप्रोक्स 1.6 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलेंगे। ये पूरा सामने का रोड जा रहा है, ये स्ट्रेट। तो चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 8:26, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो ये है मंत्रालय के पास, ये है मंत्रालय बस स्टॉप। और यहाँ पे जिस हिसाब से पुलिस वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, कहीं आसपास ही मंत्रालय होगा। जो यहाँ का पार्लियामेंट है वो इस साइड कुछ है। तो भाई ट्रैफिक ना के बराबर है, अभी इस टाइम तो ट्रैफिक नहीं है। और मैं दिन में निकला था जब मैंने कैब वगैरह ली थी, ये यहाँ की बस है, तो जो कैब वगैरह ली थी ना, तो उस टाइम भी मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ लगा नहीं जैसा बेंगलोर में ट्रैफिक है भाई, वैसे ही समझ लो। वैसे भी जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें ट्रैफिक तो रहता ही है, ट्रैफिक तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर भीड़ बहुत है भाई, भीड़ बहुत है। मीन्स दिल्ली के पास सेकेंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है ये। और वैसे बॉम्बे को तो फाइनेंशियल हब बोलते हैं। तो ये देख लो आप, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, वहाँ पे यूनियन बैंक, इस साइड सेंट्रल बैंक, जो फाइनेंशियल हब है इस मुंबई पूरा फाइनेंशियल हब है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके ज़्यादातर हेड ऑफिस यहीं पर ही मिलेंगे। मेरे जस्ट पीछे है स्टडी सेंटर, जहाँ पे कि जो बच्चे जिनको पढ़ने की व्यवस्था वगैरह नहीं है वो यहाँ पे आके आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था है, फ़ैन वगैरह सब कुछ लगे हैं। और जो कोई दूसरा आदमी, मतलब दूसरा कोई पर्सन है, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है, ना ही वो यहाँ पे लोग इन लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये चीज़ बनाई गई है जो कि काफ़ी बढ़िया है, जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनके लिए ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये मैंने देखा यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे देख के। भाई अगर आपको पुराने से पुराने जो स्ट्रक्चर देखने हो ना, मॉन्यूमेंट, तो आप मुंबई आ जाओ। यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंगों पे लाइटिंग के बाद जो भाई ब्यूटी है ना, वो नई बिल्डिंगों की ब्यूटी नहीं है। सबसे अच्छी बात है ये पीछे एक बिल्डिंग है भाई, इतना मस्त व्यू आ रहा है। सो भाई मैं आ गया हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, मेरे जस्ट पीछे है, वहाँ पर लाइटिंग देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ से लाइट का जो कमी पड़ रही थी ना, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। सो अभी सारा कुछ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 9 बजे, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे आसपास कैसा है और कैसा क्या माहौल है। भीड़ वगैरह बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं, मैं रात में आया हूँ। तो ये भी अच्छा है क्योंकि मैं दिन के टाइम पर आता तो यहाँ पर क्राउड ज़्यादा रहता है और भीड़ भी ज़्यादा रहती, जिस कारण से गर्मी भी पड़ रही तो ज़्यादा इरीटेशन भी होने लगता है। तो एक प्रकार से मेरा ये शाम को आने का जो प्लान था वो सही था। तो अभी चलते हैं, आपका पूरा व्यू दिखाते हैं। साथ ही बाजू में है ताज होटल, फेमस ताज होटल। तो जो ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये 1924 में बना था, तभी से भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है। मतलब आप इस, मतलब एंट्री पॉइंट है इंडिया का, वो गेटवे ऑफ इंडिया के अपोजिट साइड है अरवियन सी। सो चल के देखते हैं, बैठे वैसे सी तो नहीं देख पाएंगे अभी, अभी अंधेरा हो रखा है, पर जितना कुछ होता है सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक कोई प्रोग्राम चल रहा है लाइव फाइनेंशियल के ऊपर, सो यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं, यहाँ पे लाइव चल रहा है। ये है रुपी बॉस करके है, हाँ भाई ताज होटल, आ हा हा हा, क्या लग रही है इसकी लाइटिंग में अभी समझ में नहीं आ रही होगी, बट अभी मैं चैलेंज नहीं आएगा, शूट करता हूँ। इसके लिए हार्ड वर्क के सिवा कोई काम, मैं 9 बजे जाके बैठता हूँ और 7 बजे घर आता हूँ, पेशेंट आए या नहीं आए, लेकिन आई एम देयर इन द माय चेयर। सो इसलिए चेयर में मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई पेशेंट आने के बाद मुझे बुला, मैं जाके वहाँ बैठता हूँ। सो आप अगर अच्छी तरह से करेंगे यू विल गेट सक्सेसफुल, सो दैट इज व्हाट आई फील, कि हार्ड वर्क को कोई चैलेंज नहीं है। थैंक यू।
ऐसा मत करो, या ब्लूटूथ लगा लो। अपने नजदीक लेने से ब्रेन कैंसर बढ़ जाते हैं बिकॉज उसके वेव आते हैं, आंख चश्मे का नंबर बढ़ जाते हैं, आंख ड्राई हो जाते हैं, और नीचे झुकने की वजह से मान टेढ़ी हो जाती है, अपने सब जो जॉइंट है वो खराब हो जाते हैं, अपने नीचे रखा तो आपको मुझे लगता है स्पर्म काउंट कम होता है, ये सब चीजें होती है। ये तुम सुनने वाले नहीं हो तो भी मेरा ये काम है कि मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त आपने शरीर से लंबा रखो और अपना जो भी है ब्लूटूथ यूज करो। वायर का ब्लूटूथ इज बेटर देन एनी अदर ब्लूटूथ, या स्पीकर से बात करो और लंबा चार्ज करो, इतना तो करो यूज करो। और छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दो, जो 6 साल का है उसका देने के बाद ये बच्चे का इंटेलिजेंस 0 होता है, इसलिए छोटे बच्चों को 6 साल तक मोबाइल मत दो। सॉरी मैंने एक्स्ट्रा बात कर दिया, सॉरी। भाई ये है गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ का व्यू बिल्कुल अमेजिंग हो रखा है। देखो कितना मस्त खूबसूरत लग रहा है। सो अभी इसका एक राउंड व्यू लेके आते हैं। ये सामने है इस साइड ताज होटल फेरी, अच्छा फेरी भी चल रही भाई यहाँ पे, क्योंकि बाजू से ही सी है भाई, समुद्र बाजू से है। अंदर जाने मिलता है कि नहीं अभी सामने से देखता हूँ, अभी तो आप यहाँ से देखो। ये आ गए अपन, अभी हैं अरबियन ऑफ सी, अरबियन सी में। ये व्यू भाई भाई, मैं बैठा हूँ जस्ट सामने ताज होटल के। ये है ताज होटल यहाँ पे, और साइड है गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे आंटी बैठी यहाँ पे सो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और गर्मी तो काफ़ी तेज़ है यहाँ पे एज कम्पेयर टू वेस्ट साइड। जब मैं गया था वहाँ पे तो काफ़ी तेज़ हवा आ रही थी, बट यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ है। आई थिंक ये ईस्ट है, ईस्ट ही है ना? हाँ ईस्ट है। आप यहाँ से नहीं हो? अच्छा अच्छा। सो यहाँ पे गर्मी तो बहुत तेज़ हो रखी है, आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है, क्योंकि बाजू में एक फंक्शन हो रहा है जो कि मैंने तो दिखाया था। बट ये होटल देखो आप, ये होटल कितना मस्त लग रहा है। तो ये फर्स्ट होटल है जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जो कि जमशेद जी टाटा ने, जी का जो विजन था, जो सपना था, तो ये टाटा ग्रुप की फर्स्ट होटल थी ताज होटल, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर देना। मेरे नॉलेज में ये फर्स्ट होटल है ताज होटल, जो कि टाटा ग्रुप की है और सभी लोग जानते हैं मतलब। और यही वो होटल है जो 26/11 में जहाँ पे मैटर हुआ था, ये भी वही होटल है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी, और शाम के टाइम पे मैं बोलूँगा कि मस्त है। अगर आप बॉम्बे में हो तो शाम के टाइम पे आप यहाँ पे आओ तो आपको अच्छे अच्छे जो व्यू हैं वो देखने को मिलेंगे, साथ ही जो क्राउड है वो काफ़ी कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दिन के, क्योंकि दिन के टाइम पे टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं, इस वजह से क्राउड ज़्यादा रहता है। बट शाम के टाइम पे भी टूरिस्ट आते हैं, बट एज कम्पेयर टू दिन के कम आते हैं। सो बढ़िया है भाई ये, और आप भी देख लो। यहाँ पे पास में एक ये बिल्डिंग भी है, इसका नहीं पता ये कौन सी बिल्डिंग है, बट ये है ताज होटल। सो यार जो अभी आपने ये देखा, ये था गेटवे ऑफ इंडिया। होपफुली आपको
जो मतलब गेटवे ऑफ इंडिया तो अच्छा ही लगा होगा, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ यार, 10 बज गए हैं और 10 बजे क्लोज हो जाता है समथिंग, 10 बजे यहाँ से निकाल दिया पुलिस वालों ने बाहर और पूरा जो ग्राउंड है उसको खाली करवा रहे हैं। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, आगे देखता हूँ कि क्या क्या मुझे प्लेस मिलते हैं जो मैं कवर कर सकूँ। सो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, साथ ही अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।